कुछ डिटेन भी किया गया है राजेंद्र, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद ऐसा कहा जा रहा था, 1000 जवान तैनात किए गए हैं ऐसा कहा जा रहा था, एसपीडीसी ने रात को पूरे इलाके का मुआयना किया था, मौका मुआयना किया था ऐसा भी कहा जा रहा था, लेकिन वो तमाम बातें हवा हवाई होती भी नजर आ रही हैं और आंदोलनकारी यहां पर किस कदर हावी हैं ये देखा जा सकता है। बैरिगेटिंग तोड़कर टनल को क्रॉस करके पहुंचते मस्जिद के पास। बिल्कुल बिल्कुल जस्मीन, दरअसल ये जो बैरिकेड टूटा है ये पहला बैरिकेड था, बड़ी बहुत तगड़ी सुरक्षा यहाँ पर नहीं थी, लेकिन कोशिश प्रशासन की तरफ से यही थी कि दिल्ली टनल के बाहरी प्रदर्शनकारियों को रोका जा सके, जो कि संभव नहीं हो पाया। अब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और कुछ मीटर हम कह सकते हैं दूर प्रदर्शनकारी हैं और यहाँ पर अब प्रोटेस्ट प्रदर्शनकारियों की तरफ से किया जा रहा है और बड़ी संख्या में है। जैस्मिन, बड़ी जो सबसे बड़ी दिक्कत और जो इस प्रोटेस्ट में बात है कि लीडर कोई सामने नहीं आ रहा है कि किसकी नेतृत्व में कौन संगठन है, कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है, ये लोग सामने नहीं आ रहे हैं जो भीड़ थी। अच्छा राजेंद्र, देखिए एक बात और यहाँ पर निकल कर आई है, इस विवादित मस्जिद का जिक्र सिर्फ शिमला में ही नहीं हो रहा है बल्कि प्रदेश भर में जो जो मस्जिदें बनाई गई हैं अब उनकी जांच होने की बात भी कही जा रही है। मंडी से भी विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है कि मंडी में जो मस्जिदें हैं उनका भी निरीक्षण किया जाए, जांच हो कि किस कहां से ये निर्माण इनका हुआ है, कहां से इनका निर्माण किया जा रहा है, फंडिंग कहां से आ रही है, ये जांच अब पूरे प्रदेश भर में उठने लगी है ये मांग। बिल्कुल जस्मीन, और जस्मीन एक बड़ी बात ये है, दरअसल ये सोचना होगा कि पूरे प्रदेश में ये आंदोलन फैला क्यों, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो अभी तक सामने आया है वो यही है कि हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, शिमला, नाहन तमाम अगर जगह को जोड़े, हिमाचल प्रदेश में 150 के करीब केस ऐसे हैं जो वक्फ बोर्ड की तरफ से स्थानीय लोगों के ऊपर किए गए हैं कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ऊपर उन्होंने कब्जा किया है या फिर घर बनाए हैं। बहुत से गाँव ऐसे हैं जो पूरा पूरा गाँव, पहले इस बात का कहीं जिक्र नहीं था लेकिन अचानक वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस दिया जाता है कि आपका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी में है और आपको घर खाली करना होगा या फिर केस लड़ना होगा। तो वो तमाम चीजें हैं जो इस वक्त चली हुई है जस्मीन, और उसी को लेकर तभी ये जनता में जो रोष है। अभी जब प्रदर्शनकारियों से हमने बात की तो उसमें बात बड़ी स्पष्ट निकल कर सामने आई कि अचानक से किसी भी प्रॉपर्टी को कहा जाता है कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। ये प्रदर्शनकारियों का कहना है जो यहाँ लोग इकट्ठा है शिमला के संजौली जहाँ पर हम है, आधी से अधिक संजौली ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के, इस तरह की बातें सामने आ रही है, लोग खसरा नंबर तक लेकर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। हाँ। तो ये तमाम चीजें हैं जो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं थोड़ी थोड़ी चीजें इकट्ठा हुई और फिर ये प्रोटेस्ट की शक्ल में। बिल्कुल राजेंद्र, लगभग पहुंच ही गए हैं संजौली चौक पर और वहां पर किस तरह की स्थिति रहती है ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। तो तीन तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की ये कोशिश की जा रही है। सामने आप देख सकते हैं ये दूसरा बैरिकेड, जैस्मीन ये दूसरा बैरिकेड सामने दिख रहा है जहां पुलिस की तरफ से सबसे तगड़ा सुरक्षा व्यवस्था की गई है, तगड़ा सुरक्षा इंतजाम पुलिस की तरफ से यहां पर किया गया है और ये दूसरा स्पॉट है जैस्मीन, इसके पीछे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है और मल्टी लेयर यहां पर बैरिकेडिंग की गई है। पहली लेयर है, उसके बाद दूसरी लेयर है, बीच में पुलिस वाले हैं, लेयर से पहले पुलिस वाले हैं, अब यहाँ और ये बैरिकेड उठता हुआ दिख रहा है जैस्मीन, दूसरा बैरिकेड भी उठता हुआ दिख रहा है। बहुत ये देखिए बैरिकेड हवा में उठना शुरू हो गए हैं, स्थिति नाजुक होती जा रही है, बैरिकेड हवा में उठना शुरू हो गए हैं और ये पाइप निकाल दी गई है, बैरिकेड की जो मुख्य पाइप है वो प्रदर्शनकारियों की तरफ से निकाल दी गई है और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है, बैरिकेड उठना शुरू हो चुके हैं, यहाँ पर भी जो दूसरा बैरिकेड है वो भी उठना शुरू हो गया है और प्रदर्शनकारी अंदर घुस गए जैस्मीन। जी जी, सीधी तस्वीरें, और ये बैरिकेड तोड़ दिया गया है पुलिस जवानों की तरफ से। ओ भाई, ये देखिए सीधी तस्वीरें। बिल्कुल राजेंद्र, ये सीधी तस्वीरें हम देख रहे हैं संजौली चौक से। बिल्कुल पूरा बैरिकेड की तस्वीरें जैस्मीन, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बैरिकेड बचा है,
इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस बिल्कुल, कुछ महिलाएं भी हमें आगे नजर आ रही है, पुलिस वालों से झड़प करती हुई महिलाएं भी इस आंदोलन में हमें नजर आ रही है। और ये रातों रात डिसाइड नहीं हुआ है, इस आंदोलन का आह्वान बहुत पहले से किया जा रहा था। मत करो यार, मत करो प्लीज। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप शिमला के संजौली से। शिमला का संजौली एक भारी जनसंख्या यहाँ पर शिमला के बाशिंदों की रहती है, पॉपुलेटेड एरिया है और कहीं ना कहीं हार्ट ऑफ शिमला भी माना जाता है संजौली चौक। और ऐसे में यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, कथित तौर पर अवैध निर्माण एक मस्जिद का यहाँ पर हुआ है, जिसको लेकर ये विवाद पनपा था रातों रात। और ये दूसरा बैरिकेड भी जस्मीन करीब करीब टूट चुका है और प्रदर्शनकारियों की तरफ से तमाम जो बैरिकेड्स हैं उनको हटा दिया गया है। अब जो पूरी सुरक्षा का जिम्मा है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन के जिम्मे है। तमाम बैरिकेड्स टूट चुके हैं। किसी भी वक्त, राजेंद्र आपने सही कहा था, किसी भी वक्त यहाँ पर लाठीचार्ज भी देखने को मिल सकता है। दो तस्वीरें देखिए जी, तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, संजौली चौक की तस्वीरें हैं। धक्का मुक्की देख सकते हैं, धक्का मुक्की जैस्मिन। और ये मस्जिद की तरफ भीड़ अभी पड़ना शुरू हो गई है और ये लाठीचार्ज जैस्मिन, लाठीचार्ज शुरू हो चुका है पुलिस जवानों की तरफ से। लाठीचार्ज प्रदर्शनकारियों के ऊपर हो रहा है बड़ी संख्या में। ये देखिए, ये अब कदम पुलिस की तरफ से उठाया जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है पुलिस जवानों की तरफ से। तो राजधानी में इस तरह की तस्वीरें शायद ही कभी देखने को मिली होंगी इतिहास में राजेंद्र। बिल्कुल, प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठी चार्ज और भीड़ पीछे हटती हुई, तमाम प्रदर्शनकारियों के ऊपर बड़ी संख्या में यहाँ पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। और ये देखिए, प्रदर्शनकारियों के ऊपर लाठी चार्ज और ये प्रदर्शनकारी गिरा। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम राजधानी शिमला के। सीधे तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाठी चार्ज हो रहा है प्रदर्शनकारियों के ऊपर। सीधी तस्वीरें यहाँ पर और के प्रदर्शनकारियों को भगाते हुए पुलिस। ये देखिए, गंभीर रूप से घायल यहाँ पर रखे हुआ है। और ये देख सकते हैं आप, प्रदर्शनकारियों के ऊपर बड़ी संख्या में यहाँ पर लाठीचार्ज और लाठीचार्ज के बाद ये तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं, घायल प्रदर्शनकारी हुआ है। राजेंद्र, इनसे कहीं जरा घेरा ना बनाए, आराम से बिल्कुल। तो यहाँ पर एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी हुआ है शायद। ये देख सकते हैं जस्मिन, सीधी तस्वीर है। और ये देखिए दोबारा से लाठीचार्ज की कोशिश यहाँ पर हो रही है जस्मिन, फिर से लाठीचार्ज की कोशिश। स्थिति नियंत्रण से बाहर यहाँ होती जा रही है, आप देख सकते हैं तस्वीरें दोबारा से। बिल्कुल राजेंद्र, यही हुआ ना आज इन लड़की को प्रदर्शनकारी बैठ गए हैं। बुजुर्ग महिलाएं भी प्रदर्शन करने पहुंची हुई हैं, महिलाएं भी पहुंची हुई हैं, युवा भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, हिंदू संगठन एक साथ यहां पर आए हैं, स्थानीय बाशिंदे भी इसमें मौजूद हैं। वाटर कैनन का प्रयोग, जैस्मिन, वाटर कैनन का प्रयोग यहां पर हो रहा है, आप यहां पे देख सकते हैं वाटर कैनन। अब पुलिस के जवान यहाँ पे देखिए, वाटर कैनन का प्रयोग अब यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं राजेंद्र। ये राजेंद्र,
एक बात जरा बताएं, बीती रात को खबर ये निकल कर आई थी कि डीसी और एसपी ने इस पूरे इलाके का मौका मुआयना किया था, धारा 163 यहाँ पर लगी थी, 1000 जवान यहाँ पर तैनात थे, फिर कैसे हिम्मत हो गई इन प्रदर्शनकारियों की यहाँ तक पहुँचने की? और ये जो स्थिति प्रदेश में बनी हुई है, संजौली चौक पर जो स्थिति बनी हुई है राजेंद्र, दूसरी तरफ यहाँ पर वाटर कैनन है, क्या क्या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस किस प्रकार का व्यवहार आप करती है, ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर क्या देखिए, एक घायल व्यक्ति को यहाँ पर ले जाने की कोशिश हो रही है, कश्मीर क्या पुलिस के लाठीचार्ज के कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं हालात नाजुक बने हुए हैं, बड़ी संख्या में यहाँ लोग क्या कहेंगे भाई साहब, अपने भाइयों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, हिंदू भाइयों पे। बिल्कुल राजेंद्र, ये आज बिल्कुल शर्म की बात है, आज हमारे अपने भाई अपने अधिकारी, ये भी हिंदू हम भी हिंदू, हमें रोका जा रहा है, जबकि हमारा विरोध था तो इनको एपी को अंदर करना चाहिए, ये हमें मार रहे हैं, शासन को प्रशासन को अंदर करना चाहिए, ये हमें मार रहे हैं, हम पे पथराव किया गया, पुलिस लाठीचार्ज क्यों हुआ हम पर? जब शांतिपूर्ण तरीके से सब चल रहा था तो लाठीचार्ज करने की जरूरत क्यों पड़ गई? हम पुलिस प्रशासन से यही अपील करते हैं। बिल्कुल, हमारे पास के पास भी कुछ नहीं, हर उम्र के प्रदर्शन, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं है, तो हमें प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। आज पुलिस की फौज देखो, पूरे हिमाचल प्रदेश से हर एक पुलिसकर्मी को यहाँ बुलाया गया है, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमें, हमने पहले पुलिस प्रशासन से जो है अनुमति की मांग की थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दी, इसलिए हम लोगों ने तो आना ही था। चारों तरफ अवैध कब्जे हैं, चारों तरफ अवैध कब्जे हैं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये देखिए जस्मीन, हर उम्र के प्रदर्शनकारी यहाँ पर, आंदोलन को हम और ज्यादा उग्र करेंगे, ये अत्याचार है, अभी ये कुछ नहीं है, हम नया शांतिपूर्ण अच्छा संविधान करना चाह रहे थे, जस्मीन आगे की तस्वीर नहीं करेंगे, यहाँ पर फिर से यहाँ पर पुलिस की तरफ से देखिए आप, वाटर कैनन के लिए जो वाहन है वो ला दिया गया है फायर ब्रिगेड का, और जो बैरिकेटिंग है उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया है, एक बार यहाँ पर पूरी तरीके से लाठी चार्ज हुआ, अब दोबारा से यहाँ पर ये जो बैरिकेटिंग है इसको, लेकिन राजेंद्र देखिए हालात अभी भी, जी राजेंद्र एक बात सुनिए, हालात अभी भी यहाँ पर नाजुक बने हुए हैं, जिस चीज का यहाँ पर ये प्रदर्शनकारी जिक्र कर रहे हैं, ये सेंटिमेंट अब कुछ और ही तब्दील होता जा रहा है राजेंद्र, हिंदू मुस्लिम का तो मुद्दा ही नहीं था, मुद्दा तो वैध और अवैध मस्जिद का था। बिल्कुल बिल्कुल जैस्मिन, मुद्दा मस्जिद के ऊपर था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि एक प्रोटेस्टर का कोई लीडर नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, कोई संगठन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, यहाँ से रास्ता है, ये रास्ता मस्जिद के लिए जाता है, जो पहला रास्ता है, बाहर हम पुलिस का पुख्ता इंतजाम यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ ठीक इसके 2 मीटर की दूरी पर प्रदर्शनकारी बैठे हुए हैं, बीच में बैरिकेड है और यहाँ पर पुलिस का पुख्ता इंतजाम है। इसके बाद जस्मीन आगे की तस्वीर हम और ये देखिए ऊपर देख सकते हैं, ऊपर जस्मीन देखा जा सकता है। बिल्कुल राजेंद्र, ये एक बात सामने निकल कर आई है कि इस प्रदर्शन में कोई वाकई लीडर नहीं है, हिंदू संगठनों का जिक्र किया जा रहा है, सिविल सोसाइटी का जिक्र किया जा रहा है राजेंद्र, लेकिन सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि कहाँ हैं, हिंदू संगठनों के प्रतिनिधि कहाँ हैं, जिनसे बात की जाए कानून व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए, डीसी एसपी यहाँ पर मौजूद थे बीती रात से ही, लेकिन कानून व्यवस्था का क्या हाल हुआ यहाँ पर, क्या धज्जियां उड़ी, वो सब ने देखी, पूरे देश ने देखी। बिल्कुल जस्मीन, और अभी एसपी शिमला यहाँ पर पहुंचे हैं, प्रदर्शनकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जो उन्होंने सुरक्षा जो इनकी जर्सी है वो पहनी है, यूनिफॉर्म यहाँ पर पहनी है, और सीधी तस्वीरें जस्मीन आपको यहाँ पर हम दिखाना चाहेंगे, ये आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी हैं, एक बार बैरिकेड टूटा, जो दूसरा मेन बैरिकेड है वो एक बार तोड़ा, उसके बाद जो दूसरा बैरिकेड है वो तोड़ा गया, और अब आप सीधी तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल मुहाने पर यहाँ पर प्रदर्शनकारी है, अगर यहाँ से कोई सुरक्षा दीवार टूटती है तो फिर जरूर
तमाम प्रदर्शनकारी मस्जिद के बिल्कुल समीप में होंगे। जसमीन, जहाँ तक मुद्दे की बात है तो ये जो तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं सिर्फ एक विषय पे, जिस व्यक्ति से बात की जाती है वो अपना अलग लॉजिक देता है, अलग बात रखता है, अलग बात कहता है। बड़ी पहली सी बात जो कॉमन आती है कि इतनी संख्या में लोग रातों रात। जी बिल्कुल राजेंद्र, जब ये बात मस्जिद की अवैध और अवैध निर्माण की शुरू हुई थी, जब विवाद दो समुदायों के बीच हुआ, रात को झड़प हुई, एक दूसरे के ऊपर वार किया गया, एक समुदाय का व्यक्ति जख्मी हो गया, ये विवाद वहां से पनपा। और आप यकीन मानिए राजेंद्र, ये एक हिडन सेंटिमेंट था, जिस बात का जिक्र मैं बहुत पहले से ही कर रही थी कि लोगों के बीच इस बात को लेकर नाराजगी है कि दूसरे समुदाय के लोग यहाँ पर दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, अपना कारोबार स्थापित कर रहे हैं, उनकी जांच नहीं हो रही है, उनकी लाइसेंसिंग नहीं हो रही है। ये संजौली के बाशिंदों के अंदर बहुत पहले से सेंटिमेंट भरा हुआ था, मैं दावे के साथ इस बात को कह सकती हूँ, जो आज ये इस तरह के उग्र आंदोलन में तब्दील हुआ है। ये मसला सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के वैध और अवैध निर्माण का नहीं था राजेंद्र, ये मसला बहुत पहले से था, जिसका जिक्र इन प्रदर्शनकारियों ने अपनी बाइट में किया कि हम हिंदू भाइयों के ऊपर ही हिंदू पुलिस वाले डंडेबाजी कर रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जैस्मीन, दरअसल बात यही है कि हर प्रदर्शनकारी की अपनी बात है, अपनी लॉजिक है और अपनी बात कह रहे हैं। इसे मस्जिद ढहाने के लिए अगर मैं कहूं तो सीधे तौर पर 10% लोगों की इंटेंशन भी नहीं होगी, लेकिन जो गुस्सा है प्रशासन के खिलाफ, इस पूरे केस को चलते चलते 14 साल जैसे हो गए हैं, प्रशासन तूल दिया है अनिरुद्ध सिंह के बयान ने, अनिरुद्ध सिंह के रोहिंग्या वाले बयान ने इस सेंटिमेंट को तूल दिया है राजेंद्र, माने या ना माने। जैस्मीन, उस बयान के पीछे का आधार मैं आपको बताना चाहूंगा। दरअसल जरूर ये बात उठी, ये बात मीडिया में भी आई, लेकिन उस बयान के पीछे का आधार क्या है ये हमें देखना होगा। दरअसल पूर्व सरकार के समय जब एमसी शिमला में सफाई का ठेका दिया गया तो वो ठेका यहाँ के एक स्थानीय दुकानदार, ये स्थानीय व्यक्ति की तरफ से लिया गया, लेकिन हुआ क्या, दरअसल जब यहाँ पे काम करने वाले लोग आए और लोग घरों में गए, लोगों के दरवाजे तक जाने लगे, उन लोगों को हिंदी नहीं आती थी, जो कूड़ा बिनने के लिए, पूर्व सरकार के समय की चश्मी ने बात है, कूड़ा बिनने के लिए लोग जब घर घर गए तो उन लोगों को हिंदी तक नहीं आती थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने शक उनके मन में पैदा हुआ, फिर पता करने की कोशिश की है कौन लोग हैं जिनको हिंदी तक नहीं आ रही है लेकिन घर घर जा रहे हैं। उसके बाद जब आइडेंटिफिकेशन हुई तो ये पता चला कि ये लोग भारत के रहने वाले नहीं है, और उस वक्त उन लोगों को हटाया गया यहाँ से, वो टेंडर कैंसिल किया गया, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे बीच बीच में जरूर बातें आती रही कि कहीं प्रदेश से बाहर के लोग यहाँ पर अवैध तरीके से तो नहीं रह रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात है वो ये है, रातों रात कैसे जो छापे वाले हैं, रेडी वाले हैं, इनकी संख्या कैसे इंक्रीज हो जाती है, उसके ऊपर लोगों का रोष है। यही सवाल है यहाँ की आम जनता का, जो आप इस टीवी स्क्रीन पर जो आप ये लोगों को लामबंद होते हुए देख रहे हैं, जो ये आंदोलन आप देख रहे हैं, ये हिंदू संगठनों के जो नारे आप देख रहे हैं, ये यही बात है कि प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है, किसी एक सरकार के खिलाफ नहीं है, क्योंकि ये बीते जब भाजपा की सरकार थी प्रदेश में ये तभी से क्रम चला आ रहा है, और अब जिस तरह से प्रदेश की कानून व्यवस्था है ठीकरा मौजूदा सरकार पे फूटेगा जाहिर से बात है, लेकिन ये मसला आज का नहीं है, ये सालों से चला आ रहा है मसला, और आज कहीं ना कहीं वो वॉल्केनो फटा है राजेंद्र। कुछ लोगों से भी हम यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कहना है लोगों का, क्या डिमांड है, क्या कहेंगे सर? देखो, ये जितनी भी सिचुएशन यहाँ पे खराब हुई है, इसके लिए ना हिंदू मुसलमान है, ना हिंदू वो है ना मुसलमान, ये वो कोर्ट है जिसको 14 साल से यही पता नहीं लग रहा है कि भैया ये वैध है या अवैध है, आधे घंटे में जो डिसीजन हो सकता है उसके लिए इतना साल लग रहे हैं इनको। और ये देखो प्रशासन, यूनिवर्सिटी में हमने कम्युनिस्ट को एक बात बोलते हुए सुना है कि ये जो पुलिस है ये एक सरकार ने अपने इसको दबाने के लिए, लोगों की आवाज दबाने के लिए रखे है। हम क्या गलत कर रहे हैं, हम कोई टेररिस्ट है क्या हम लोग? हम तो यही बोल रहे हैं। और वहां पे सबसे पहले ये भी गलत है कि मस्जिद तोड़ी जा रही है, सबसे पहले ओएमसी का कोर्ट तोड़ना चाहिए बाहर, जिसको 14 साल से पता ही नहीं लग रहा है, उन अधिकारियों को मारना चाहिए पहले जो वहां पे घूस खा के बैठे हुए हैं, इसके लिए सारा जो जिम्मेवार है वो प्रशासन खुद है। हम तो यही बोलेंगे ये मस्जिद हटानी चाहिए और एक सही फैसला, सरकार को सही निर्णय लेना चाहिए, हिंदू समाज के भावनाओं का मतलब सम्मान करना चाहिए। ये हम लोग एक शांतिपूर्वक वो प्रोटेस्ट कर रहे थे,
इसके बावजूद भी हम पे लाठी चार्ज हुआ है। ये हमारे को दमन करना चाहते हैं, ये हमारी ऐसे प्रशासन मुर्दाबाद की नारे लगने चाहिए ऐसे लोगों के लिए। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं इनसे भी। सर मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा, जितना भी संजौली समाज में जितने भी लोग रहते हैं, सबसे पहले उनसे आह्वान करूंगा कि निकलो बाहर, ये अस्मिता की लड़ाई है, ये हमारी कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है। हमें सबको एकजुट होना होगा और जो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन निकाल रहे थे, आप देख सकते हैं कि कैसा पिछली बार हुआ था। और ऐसा भी मैं आपको यहाँ से आश्वासन देती हूँ कि ऐसा ही धरना प्रदर्शन, मैं धरना नहीं कहूंगी, मैं उसे रॉइड कहूंगी, कि ऐसा ही अगर एक गुट यहाँ पर इकट्ठा होता तो शायद इतनी शांति अभी तक यहाँ पर नहीं होती, पथराव होता। और आपने आज तक देखा भी, चाहे पश्चिम बंगाल के हाल आप देख सकते हैं, आपके पास जीता जाता उदाहरण है किस तरीके से अभी बांग्लादेश में